हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे, चैप्टर टू में हमने देखे थे स्वाध्याय के दो प्रश्न देखे थे, एक एक वाक्य में प्रश्न और दो दो वाक्य में प्रश्न। आज हम चैप्टर टू ईर्द्गाह के चैप्टर थ्री सविस्तार उत्तर के बारे में समझेंगे। दिन निराशा में क्यों डूबी हुई थी। दूसरा है, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी। और तीसरा था, हामिद का चिमटा खरीदने के पीछे कौन सा कारण बताता है। ये तीन प्रश्न हमें फेसबुक में लिखे हैं, किंतु हम इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रश्न है जिसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि अमीना ईद के दिन ईद को क्यों कोस रही थी, अथवा अमीना ईद के दिन क्यों निराशा में डूबी हुई थी। तो उसका उत्तर है कि बुढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। हमने दो दो वाक्य के प्रश्न के उत्तर में देखे थे कि उसके पिता की मृत्यु हेजेज यानी कि कोलेरेक की बीमारी से हुई थी और कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी गुजर जाती है। तो वो बुढ़ी अमीना बहुत दुखी थी क्योंकि एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे और न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर में अनाज का दाना नहीं था। ऐसी परिस्थिति में वह कि अमीना के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। धन के नाम पर उनके बटुए में सिर्फ 5 पैसे थे। हम एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि अमीना के बटुए में कितने पैसे थे, तो कि 5। अमीना के बटुए में सिर्फ 5 पैसे थे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी बदहाली के कारण, क्योंकि उसकी ऐसी परिस्थिति तो हमने देखा कि उसका बहू दुखी थी, एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे, धन के नाम पर उसके घर में कुछ भी नहीं था और अब इसके लिए छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे, न ढंग के कपड़े थे और पुरानी टोपी थी, उसका काला गोटा भी काला पड़ गया था। और ईद के दिन अमीना के घर में सबके घर में अलग अलग तरह के पकवान बन रहे थे, या कि अमीना के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था और धन के नाम पर उनके बटुए में सिर्फ 5 पैसे थे और हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। ऐसी परिस्थिति में अमीना ईद के दिन निराशा में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। दूसरा प्रश्न है, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना इसके लिए क्यों चिंतित थी। हामिद है वो मेले में जाने लगा तो अमीना क्यों चिंतित थी, तो कि गांव के दूसरे लोग, उसका उत्तर है कि गांव के दूसरे लोग अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के माँ बाप मर चुके थे, अमीना उसे अकेले कैसे भेजती। उसे प्रश्न होता है कि वह अकेला, सब लोग तो अपने अपने माँ बाप के साथ मेले में जा रहा है लेकिन हामिद के माँ बाप ही नहीं है, वो अकेला मेले में कैसे जाएगा। इसीलिए वह डरती थी कि कहीं भीड़ भाड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे, छाने यानी कि नंगे पाँव जाएंगे तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उसकी जेब में तो केवल 3 ही पैसे थे। इन्हीं कारणों से हामिद मेले में जाने लगा तो उनके लिए अमीना चिंतित थी। था कि कहीं भीड़ भाड़ का खूब दूर है, 3 कोस का सफ़र है और इतना दूर वह अकेला जाएगा तो वह भीड़ भाड़ में कहीं खो गया तो उसके पाँव में तो जूते भी नहीं थे और इसी परिस्थिति में उसके पैर में छाले भी पड़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह अकेला कैसे जाए,
इन्हीं कारणों से चिंतित थी, इन्हीं कारणों से वह हामिद को मेले में जाने लगा तो वह चिंता करने लगी। तीसरा प्रश्न है, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न मैंने आपने लिखवाया नहीं है, पर देखेंगे कि ईदगाह के मार्ग में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने देखे थे कि सब लोग अपने ईदगाह जाने के लिए, यह सबको जल्दी है, वह जल्दी जल्दी सुबह अपना काम कर लेते थे, इसलिए ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो के गांव से निकल कर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। गांव में है लोग, इतनी चहल पहल थी, रोजा खत्म होने के बाद ईदगाह आती है तो गांव में बड़ी चहल पहल होती है। गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते थे, सब लोग जा रहे थे, ऐसे में बच्चे हैं वो शरारत करते करते ये दौड़कर आगे चलते जाते थे। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते थे। जब वह आगे चले जाते हैं तब पूछे लोग होते हैं, उसका इंतज़ार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थीं, अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी के रास्ते पर थे। हवा हलवाइयों की दुकानें हैं खूब सजी हुई थी, एक एक दुकानों पर ढेरों मिठाइयाँ थीं। उसके मार्ग में क्या क्या था, तो कि लोग गांव से निकलकर आनंद लेने के लिए, मेले का आनंद लेने के लिए सब बच्चे दौड़कर आगे पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और पीछे लोग आते थे, उसका इंतज़ार करते थे। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उसके मित्रों का या उसके माता पिता का इंतज़ार करते हैं। ईदगाह के जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारत, रास्ते में क्या आते हैं, तो कि बड़ी बड़ी इमारतें आती थी, अदालतें आती थी, कॉलेज, कलाघर आदि उसी के रास्ते पर था। हलवाइयों की दुकानों में ढेर सारी हलवाइयाँ मिठाइयाँ रखी थी और वह खूब सजी हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि हामिद के साथियों ने, चौथा प्रश्न है कि हामिद के साथियों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे थे। उसके साथी थे महमूद, नूर और सब ने कैसे कैसे खिलौने खरीदे थे। तो मेले की दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, मेले में अलग अलग दुकानों पर अलग अलग खिलौने थे। महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला एक सिपाही खरीदा। जो उसका मित्र है महमूद, उसे खाकी वर्दी वाला और लाल पगड़ी वाला एक सिपाही खरीदा था। मोहसिन ने एक भिस्ती लिया, भिस्ती अपनी झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए थे। मशक यानी कि पानी के जो होता है उसे मशक रखा। मोहसिन ने एक भिस्ती लिया और भिस्ती अपनी झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए थे। नूर ने एक वकील पसंद किया। सम्मी ने एक खंजरी खरीदी। मशक किसे कहते हैं, तो कि चमड़े का थैला जिसमें पानी भरकर भिस्ती ले जाता है उसे कहता है मशक। एक वकील खरीदा था। सम्मी ने एक खंजरी खरीदी। इस प्रकार हामिद के साथियों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदे थे। मेले में तो अलग अलग तरह की खिलौने की दुकानें थी। महमूद ने काफ़ी वर्दी वाला एक लाल पगड़ी वाला सिपाही खरीदा था। मोहसिन ने एक पिस्ती लिया, पिस्ती अपनी झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए था ऐसा उसने खिलौना लिया। नूर ने एक वकील पसंद किया। सम्मी ने एक खंजरी खरीदी। इस प्रकार उसके साथी मित्रों ने अलग अलग तरह का खिलौने खरीदे। खिलौनों और मिठाइयों खरीदने वाले साथियों के बारे में हामिद के मन में क्या विचार आया। जब उसके मित्र है वो अलग अलग खरीदने वाले मिठाइयाँ खरीदते हैं या खिलौने खरीदते हैं, तब हामिद उसके देखकर ऐसा खड़ा होता है और उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं। मिठाइयाँ खाने वाले साथियों के बारे में हामिद ने सोचा कि सचमुच ये लोग बड़े लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली पर मुझे एक भी न दी। वो दूर खड़े हुए देखता है कि उसके मित्र है वो अलग अलग कोई मिठाइयाँ खरीदता है, कोई खिलौने खरीदता है। ऐसे खरीद साथियों के बारे में हामिद
कहता है उसके मित्र के बारे में कि दूर खड़ा सोचता है कि ईब इतनी मिठाइयाँ ली, ये कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली पर मुझे एक भी न दी, इतनी मिठाइयाँ खाने से इनका मुंह सड़ेगा। फोटे निकली उसका के कहता है कि इतनी मिठाइयाँ खाने से इनका मुंह सड़ेगा और उसकी जबान चटोरी हो जाएगी, तो मिठाइयों के लिए ये लोग घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर और मिठाइयों खरीदने वाले साथियों के बारे में तरह तरह के विचार आए। वह दूर खड़ा हुआ सोचता है कि ये लोग कितने हैं लालची है कि इतनी मिठाइयाँ खरीद ली, खा ली और मुझे एक भी न दी। वह कहते हैं कि उसका मुंह सड़ेगा, खाने से उसका मुंह सड़ेगा और उसकी जबान है वो चटोरी, यानी कि जो खाने की इच्छा होते है अटले, इसीलिए वह कहता है कि उसकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब मिठाइयाँ के लिए ये लोग घर से कभी पैसे भी चुराएंगे और मार भी खाएंगे, पर मैंने तो अम्मा के लिए चिमटा खरीदा, वो मुझे कितनी दुआइयाँ देगी। इस प्रकार इसके खिलौने के बाद उसके कोई दुआएँ नहीं देंगे, इसीलिए हामिद ने मन में खिलौने और मिठाइयों के देखकर अलग अलग तरह के विचार आते हैं। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? अगला प्रश्न है कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है, चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी, चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौनों और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे की बर्बादी ही है, ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीद कर चिमटा ही खरीदा। जब उसके मित्र अलग अलग मिठाइयाँ और खिलौने खरीदते थे, तब वह दूर खड़ा सोच रहा था कि हामिद ने एक लोहे की दुकान के सामने देख खड़ा होता है और सोचने लगता है कि मैं चिमटा खरीदने का ख्याल आया उसके मन में अचानक, और वह दादी के पास चिमटा नहीं है, उसके मन में अचानक विचार चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी, चिमटा होने की पर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएंगी, खिलौनों और मिठाइयां खरीदने में तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा सोचकर हामिद ने कोई चीज़ न खरीद कर एक चिमटा ही खरीद लिया। हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कौन से कारण बताया और हामिद ने चिमटे की सर्वोपरिता कैसे प्रसिद्ध की कि कैसे प्रसिद्ध किया कि हाँ चिमटा बड़ी काम की चीज़ है। हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। वो जब उसके मित्र मिठाइयाँ और खिलौने खरीदते थे, तब हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा है सबसे बड़े खिलौना है, इसे कंधे पर रखो तो ये बंदूक बन जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा, चिमटे से मंजिले का काम भी लिया जा सकता है, यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए, उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा कि आंधी आए या तूफान आए आग निकालना चाहे या पानी में, वह ऐसे ही डटा रहेगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटे खरीदने के पीछे कई कारण बताया। वह गर्व के साथ अपने साथियों को कहता है कि यह चिमटा बड़े खिलौना है, सबसे बड़े चीज़ की काम है, इसे कंधे पर रखो तो यह बंदूक बन जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा, जब फकीर बाबा कोई ऐसे ये चिपक कर दबाते हैं तो वह फकीरों का चिमटा हो जाएगा, चिमटे से मंजीरे का उसे दबाए कर जो आवाज़ आती है वो मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है, यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के जो एक चिमटा मार दे तो के पर उसका चिमटा तो बड़ा बहादुर शेर है, वह आग पानी आंधी तूफान में भी ऐसे ही डटा रहेगा, ऐसे ही रहेगा, उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए।
और अगला प्रश्न है कि चिमटे पर मोहित होकर हामिद ने हामिद के साथी क्या सोचने लगे। जब ऐसे ऐसी ऐसी बात हामिद बताता है तो वस का मित्र क्या उसे बताते हैं कि हामिद के चिमटे ने अपना खूब रंग जमाया। उससे प्रभावित होकर दूसरे लड़के जब वह ऐसे तारीफ करते हैं चिमटे की तो उसके दूसरे मित्र है वो रास्ते में कहते हैं सोचने लगे कि काश हमने भी चिमटा लिया होता तब तो पैसे भी नहीं बचे और सब मेले से बहुत दूर निकल आए थे। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। सचमुच टूट फूट जाने वाले इन खिलौनों को क्या भरोसा। हामिद का चिमटा तो बरसों बना रहेगा। चिमटे पर मोहित होकर हामिद के साथ यो खिलौना खरीदने पीछे पछताने लगे। वह सोचने लगते हैं कि शायद हमने भी कि हामिद ने जो ऐसे किया कि वह बंदूक का काम भी कर सकता है, मंजीरे का काम भी कर सकता है और आंधी तूफान में भी वह ऐसा डटा रहेगा। ऐसे प्रभावित होकर उसके मित्र उसे कहते हैं कि शायद हमने वह ऐसे सोचते हैं कि शायद हमने भी चिमटा लिया होगा। अब तो वह मेले से बहुत आगे निकल चुके हैं और उसके पास पैसे भी नहीं है। बड़ों से जीत करके वह अब चिमटा भी नहीं ले सकता। सचमुच और ये खिलौने तो टूट फूट जाएंगे। ये खिलौने का क्या भरोसा। हामिद का चिमटा तो बरसों तक ऐसा ही रहेगा। इसीलिए उसके मित्र हामिद के साथी खिलौने अमीना का क्या प्रतिक्रिया हुई। जब अगला प्रश्न है कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जब मेले से वापस आया हामिद तो उसके हाथ में चिमटा देखकर अमीना के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई। अमीना उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक गई। वो तो ऐसे ही उसे देखती ही रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ न मिले जो यह चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। उसे ऐसे दुख हुआ कि एक कैसा कि उसके हाथ में ऐसे देखकर चिमटा देखकर वह चौंक गई। उसे ऐसे ही देखती रही। उसकी समझ में कुछ न आया और वो बोली कि इतने बड़े मेले में से हामिद को और कोई चीज़ न मिली जो यह चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसने सोचा कि यह कितना बेबस लड़का है कि दोपहर होने तक आई और उसने कुछ खाया और न कुछ पिया। इस प्रकार उसका चिमटा देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। हमें सविस्तार प्रश्न फेसबुक में 3 ही लिखे हैं और 3 ही रीड करने हैं। ये प्रश्न मैं आपको आगे चैप्टर समझाने के लिए और ऐसे प्रश्न यदि आपको एकम कसौटी में और एग्ज़ाम में पूछे जाए तो उसका आंसर आप चैप्टर में मैंने जो समझाया है उसके आधार पर आप लिख सकोगे। थैंक यू।